गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम व्याकरण का पाठ 3 मात्राएं पढ़ेंगे। आप सबको पता है हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं, है ना? कितने होते हैं स्वर? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब हम पेज नंबर 16 पढ़ते हैं। सब बच्चे ध्यान दो। हिंदी भाषा में स्वर जब किसी व्यंजन में मिलाकर लिखा जाता है तो उसे एक विशेष चिन्ह के रूप में लिखते हैं। स्वरों के यही चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा मात्राओं के बारे में। क्या होती है मात्रा? हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं, जो कि स्वर हैं 11 और व्यंजन हैं 33। आपको पता होगा स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, जबकि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। और स्वर की इन मात्राओं को व्यंजन में जब मिलाकर लिखा जाता है तो उसे एक विशेष चिन्ह के रूप में लिखते हैं। मतलब हर स्वर की अपनी एक अलग मात्रा है तो, और उसका एक अपना अलग चिन्ह है। और ये जो चिन्ह होता है स्वरों के, ये जो अलग अलग स्वरों के जो अलग अलग चिन्ह हैं, ये इन स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि स्वर उनकी अपनी मात्राएं होती हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, अपना एक चिन्ह होता है। तो और उन्हीं चिन्हों को जब हम लिखते हैं तो वो स्वरों की मात्राएं कहलाती हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं व्यंजन की कोई मात्राएं नहीं होती। व्यंजनों में मात्राएं लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं तब नए शब्द बनते हैं। स्वर मात्राएं, व्यंजन प्लस स्वर की मात्राएं और शब्द। ठीक है, अब आप देखो अ से लेके औ तक क्या लिखे हैं? स्वर। और यहाँ पे जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ में एक दंड लगता है। ठीक है, और वर्ण में उल्टे हाथ की तरफ से इस तरह छोटी की मात्रा लगाई जाती है। वर्ण में सीधे हाथ की तरफ से वर्ण के बाद बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। ये उ, फिर बड़े उ, फिर ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, आईडी की मात्रा, है ना, फिर ओखली की मात्रा और ये औरत की मात्रा। इस तरह मात्राएं हैं। अब ये व्यंजन, जैसा मैंने आपको आपके पहले पाठ में भी बताया था, ये क लिखा है, इसके नीचे ये जो चिन्ह बना है ये इसको बोलते हैं हलक। इसका क्या मतलब है? आधा क है प्लस उसमें अ लिखेंगे तब हो जाएगा क पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा व्यंजन क, ये आधा क है, जब इसमें आ लग जाएगा, आ की मात्रा हो जाएगी तो हो जाएगा का, आधा क प्लस इसमें ई की मात्रा की, क बड़ी की मात्रा की, क उ की मात्रा कु, क उ की मात्रा कु, क आधा ऋषि की मात्रा क्र, क प्लस ए की मात्रा के, क प्लस ए की मात्रा कै, क प्लस उ की मात्रा को, क प्लस औ की मात्रा कौ। इस तरह व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, स्वरों की चिन्ह लगाए जाते हैं तो वो मिलकर एक नए शब्द बनते हैं। ठीक है, विशेष, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। ठीक है, सभी व्यंजन क से लेकर ह तक 33 व्यंजन है, आप सबको पता है। इन सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला रहता है। कोई भी व्यंजन अधूरा है जब तक उसमें अ नहीं लगा रहता। फिर र के साथ उ तथा बड़े उ की मात्रा लगने पर वे ऐसे लिखे जाते हैं, आधा र प्लस उ छोटे उ की मात्रा रुपया, र आधा प्लस बड़े उ की मात्रा रू। ठीक है, तो इस तरह से र में जो मात्राएं हैं वो वर्ण के पैर में नहीं लगाई जाती, बल्कि इस तरह से बीच में, जैसे रुपया रू, इस तरह से लगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे स्वरों की मात्राएं होती हैं, स्वरों की मात्रा क का की कु कू क्र के कै को कौ। तो आज हमने इन स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ा। अब आप सब बच्चों को होमवर्क में
क्या काम करना है, आप सब बच्चों को स्वर लिखना है और स्वरों की मात्राओं को भी लिखना है, और इसके साथ ही क से लेकर ह तक की 12 खड़ी भी अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।